जोधपुर शहर में 3 दिन पहले 3 साल के मासूम के साथ हुए दुष्कर्म का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच शहर को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम को घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की मासूम को एक व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपी ने पहले बालिका के कपड़े उतार कर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद बच्ची को वो वहीं छोड़कर चला गया। पीड़ित बच्ची जब घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने देर रात को ये मामला दर्ज किया और CCTV फुटेज की सहायता से आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। आरोपी होमगार्ड का जवान है, जिससे पुलिस ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाभुराम ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब 6 बजे थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति की 3.5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आरोपी मोटरसाइकिल पर आया और बालिका को अपनी गोद में लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने मासूम बच्ची का मेडिकल करवाया। साथ ही मौके पर FSL की टीम ने साक्ष्य भी जुटाए। घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन पुलिस ने मामले को संभालते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।